हेलो एवरीवन, हाउ आर यू? आई थिंक यू आर ऑल फाइन। और सबसे पहले तो मैं आप सबका थैंक्स करना चाहती हूँ क्योंकि हमारे 100 सब्सक्राइबर हो गए, बल्कि 100 प्लस हो गए हैं, 101 हो चुके हैं। तो आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। और इसी के साथ हम आज एंजल आई है, एंजल मेरी नीस है। तो आज हम आपके लिए कुछ न्यू लेकर आए आइडिया के साथ। पहले तो हमने अपने ट्रैवल के ब्लॉग्स डाले थे, लेकिन आज हम कुछ क्राफ्ट करने वाले हैं बच्चों के लिए। तो आगे चल के आपको बताते हैं, पहले आप थोड़ा सा एंजल से बात कर लो। तो आप वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। हाँ, देखिए आप 100 प्लस फैमिली तो हो चुकी है ना, तो लेकिन फिर भी इतने व्यूज और कमेंट्स जरूर किया करें। कमेंट्स से हमें पता लगता है कि हम कैसे जा रहे हैं और हमें आगे क्या करना है। तो हम अपना ब्लॉग स्टार्ट करते हैं, तो चलिए जी। तो आज हम करने जा रहे हैं पेंसिल आर्ट, पेंसिल को डिकोर करेंगे। एक्चुअली ये मेरी छोटी नीस गागा का असाइनमेंट आया था, तो हमने कहा चलो थोड़ा शूट भी कर लेते हैं, हमारा एक्चुअली ब्लॉग भी बन जाएगा और एंजल मेरे साथ असिस्ट कराएगी क्योंकि इसको बहुत ही ज़्यादा एक्साइटमेंट होती है जब भी कोई चीज़ नहीं बनाओ ना। तो ये कहती है, हाँ तो ये कहती है कि मुझे साथ में रखो और मेरे साथ हेल्प भी कराती है, कलरिंग करने में, ड्रॉ करने में, या कुछ अगर कुछ भी करना होता है तो इसलिए आज ये मेरे साथ है और हम दोनों आज आपको पेंसिल डिकोर करना सिखाएंगे जी। तो पेंसिल आर्ट के लिए सबसे पहले हमें चाहिए पेंसिल्स, कुछ हम रिबन्स रखेंगे अपने पास, हमें कलरफुल कंप्यूटर पेपर चाहिए A4 साइज़ के, हमें ग्लिटर शीट्स की नीड होगी, हमें मार्कर्स चाहिए इसके लिए, कलर्स पेंसिल्स चाहिए, स्केल वाइटो में भी यूज़ हो सकता है, रिबन्स चाहिए कुछ और UHU चाहिए। तो सबसे पहले हम लेंगे 1 पेंसिल और हम ये 2 शीट्स ले रहे हैं। अब हम इनके काटेंगे फ्लावर जी। तो सबसे पहले हम इस पेपर को इस तरीके से फोल्ड कर लेंगे लाइक दिस। अगर आप ऐसे काट सकते हैं तो काट लीजिएगा, वरना आप सीजर का यूज करिएगा। अगर आप हैव चिल्ड्रन है ना इन चीज़ों के लिए, तो फिर मैं आपको यही कहूँगी कि आप सीजर यूज कर लीजिए। और इस तरीके से हम इसके 4 फोल्ड कर लेंगे। अब हमारे आसानी से बन जाएंगे 4 फ्लावर्स।
हमारा रोज हो गया है बिल्कुल रेडी, आप देख सकते हैं। अब हम लेंगे लीव्स के लिए, हम इस कार्ड को कट करेंगे और इसको भी हम 4 हिस्सों में डिवाइड करके इसको लीव्स की शेप में कट कर लेंगे लाइक दिस। आप कोई और शेप भी दे सकते हैं, मैं बिल्कुल सिंपल शेप दे रही हूँ सिर्फ समझाने के लिए आपको कि हाउ टू कट इट। सो ये दो स्ट्रिप्स भी हमने काट लिए, इसको पेंसिल पे पूरे ग्लू को हम यूज़ करके अप्लाई करेंगे ग्लू पहले, और फिर हम ग्रीन वाली जो स्ट्रिप्स हमने काटी थी पतली पतली उसको हम बिल्कुल इसको रैप कर देंगे लाइक दिस, और ऊपर से इसको प्रेस करते रहिएगा ताकि ये अच्छे तरीके से फिक्स हो जाए पेंसिल के साथ। सो आर फर्स्ट पेंसिल इज डन, आप देख सकते हैं। अब हम अपनी नेक्स्ट पेंसिल की तरफ जा रहे हैं जिसको हम आपको रिबन के साथ डिकोर करके दिखाएंगे। ये थोड़ा इजी है, इसको बच्चे इजी से कर सकते हैं क्योंकि हम इसमें स्टिकर्स का यूज़ करेंगे और रिबन का यूज़ करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम बिल्कुल जैसे हमने पहले किया था, हम ग्लू को पेंसिल पे अच्छे से अप्लाई कर लेंगे।
तो चलें अब हम स्टिकर्स को कर लेते हैं सेलेक्ट कि हमें कैसे स्टिकर चाहिए। देखिए हमें कुछ ऐसे स्टिकर चाहिए जो आगे पीछे से बिल्कुल सेम हो। जैसे मैं आपको बताती हूँ कि जैसे ये इसकी वर्थ एक जैसी है, और अब हम जो सेकंड स्टिकर लेंगे वो भी कुछ इस तरह का लेंगे जो पीछे से बिल्कुल दोनों स्टिकर्स एक दूसरे को कवर कर लें। तो इसको अच्छे से हम पहले स्टक कर लेंगे। और अच्छा देखें अगर स्टिकर्स अच्छे चिपकते नहीं हैं तो आप ऐसा कर सकते हैं कि इसको आप UHU के साथ भी अप्लाई कर सकते हैं। और अब हम दूसरा अपना स्टिकर सेलेक्ट कर रहे हैं जो कि पीछे वाले स्टिकर को भी बिल्कुल एकदम कवर कर ले। तो आई थिंक ये आई लव यू वाला सही रहेगा, ये दोनों एक दूसरे के साथ बिल्कुल सही मैच कर रहे हैं। फिर उसके बाद हम उन पेंसिल के कलर कॉम्बिनेशन के हिसाब से कुछ अच्छा सा कॉम्बिनेशन करके हमने अपना एक रिबन भी सिलेक्ट कर लिया है। ब्लू पिंक लाइट कलर्स थे सब, तो मैंने कहा ये पर्पल कलर अच्छा लगेगा थोड़ा, एंड इट्स माय फेवरेट कलर, सो आई अप्लाई दिस वन।
तो हमारी पेंसिल्स हो गई हैं बिल्कुल रेडी और इसका ऑनेस्ट रिव्यू तो सुबह आपको गागा देगी। अभी तो वो सो रही है, सुबह उसका रिएक्शन देखेंगे कि वो क्या बोलेगी। जी मैडम, इधर है, आपको कौन सी पसंद आई है ज्यादा? मुझे सारी पेंसिल्स पसंद आई, लेकिन जहाँ तक मुझे सही सही बताओ, मुझे सारी पेंसिल्स, इसका कलर कॉम्बिनेशन मुझे भी बहुत पसंद है, क्योंकि मुझे कुछ ज्यादा पसंद है ये कलर कॉम्बिनेशन। एंजल ने तो बहुत काम की चीज लिखना शुरू कर दी है। गाइस आप चैनल का नाम क्या है? मानिएगा, चैनल का नाम भी तो लिखो। चैनल चैनल नेम है जी गाइज। तो आज का ब्लॉग आपको कैसा लगा, हमारा आर्ट आपको कैसा लगा, तो प्लीज़ हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, जितने भी लोग नए आए हैं हमारे चैनल पे वो हमारे सब्सक्राइब ज़रूर करें हमारे चैनल को। प्लीज़ बहुत सपोर्ट कीजिए, हमें बहुत नीड है इसकी। अभी भी सिर्फ 100 हुए हैं और हमें 1000 का टारगेट अचीव करना है और 4000 वॉचिंग टाइम भी अचीव करना है। तो प्लीज़ हमारी वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा देखें। और ये हमारा 7th ब्लॉग है, याद रखें, हम 6 ब्लॉग्स बना चुके हैं, ये हमारा 7th ब्लॉग है। और ये है हमारा पेंसिल डेकोर राफ्ट, बहुत ही क्यूट पेंसिल्स हैं, बहुत ही क्यूट पेंसिल्स हैं। तो बस शक दादा, मैं आपको पेंसिल्स दिखाऊंगी, मैंने रात को बना ली थी ना, तो फिर आप मुझे बताना कि आपको कौन सी ज़्यादा अच्छी लगी है। पहले आइस क्लोज करो ना, जल्दी करो, आप लेट हो रही हो, खोलना नहीं है आइस। चलो आप खोलो, कौन सी ज्यादा अच्छी लग रही है? कि कोई भी नहीं अच्छी लग रही, कि तीनों अच्छी लग रही हैं। ये पीकॉक है, ये रोज वाला है और ये कैट वाला है। ये आप, अच्छा ये वाली एंजल दीदी को भी ये वाली ज्यादा अच्छी लगी है, मुझे भी, और दूसरा फिर मुझे ये ज्यादा अच्छी लगी है। इस पे ऐसे लिखा है ना आपका,
आपके नाम का, तो ज्यादा कौन सा पसंद है? इधर देखो ये वाला इसमें क्या अच्छा है, क्या अच्छा लग रहा है इसमें? हाँ तो मिस को कौन सी वाली दोगी? मिस नंबर देगी इस पे? सारी दे दोगी? ठीक है। क्या इनको ध्यान से लेके जाना। तो आपने व्यूवर्स को क्या कहना है, कुछ कहना है? क्यों इंग्लिश में क्यों ना बात करूँ, क्यों नहीं इंग्लिश में बात करूँ? व्यूवर्स से कुछ नहीं कहोगी हैं? व्यूवर्स हमारे वीडियोस नहीं देखते, शेयर नहीं करते हैं, सब्सक्राइब नहीं करते हैं, तो बोलोगी नहीं कि सब्सक्राइब करो? हाँ क्या लाइक क्या फिर से बोलो। बाय बाय।